हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फैसलाबाद में तीसरा दिन है। अभी हम सो के उठे हैं, सुबह के 12 बज रहे हैं। अभी नाश्ता करने जाएंगे नहा धो के, उसके बाद देखते हैं क्या हाँ सीन बनता भाई, है। किधर हो ब्रो? नहाने क्या है? यार अभी तक नहा रहा है वो। तो नाश्ता वगैरह करके देखते हैं क्या सीन है आज का। आज हमने ज़्यादातर ऐसे रेस्ट करना है, कोई ख़ास काम हमने करना नहीं है, क्योंकि रात को हमने रवाना होना है मालम जब्बा के लिए, तो एनर्जी बचा के रखनी है हमने अपनी आज की। ये सीन है। अब्दुलरहमान नहा रहा है, मैं इतने नाश्ता करने आ गया हूँ। मैं और अब्दुलरहीम, ये स्लाइस बड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, ऑमलेट है, फ्राइड एग हैं, ये क्या इन्हें क्या कहते हैं, रस, केक रस, बिस्किट, चाय भी आएगी। तो नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। नाश्ता वाश्ता करके जी हम तैयार हो गए हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं। पहले हमने गाड़ी का काम करवाना है, गाड़ी का काम कराना है, ऑयल चेंज कराना है। ऑयल चेंज करना, जिस गाड़ी पे हमने जाना है मालम जब्बा। और फिर हमने मिल पे जाना है, मिल पे जाके शायद आज हम घोड़े भगाएं। वैसे कल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि घोड़ा जो है वो भागने के मूड में था, रुकने के मूड में नहीं था। तो चलें, चलते हैं, चलते हैं। हेलो, मोमेंट्स लेटर गाड़ी का काम शाम करवा के हम लोग आ चुके हैं जी मिल पे। और वहाँ पे अपने शोरूम पे वीडियो नहीं बनाई, शोरूम था क्या था, सर्विस सेंटर जो भी था पूरा, तो क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था वीडियो बनाना। तो फिर हम अब आ गए हैं मिल पे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे, भाई साहब लंबे पड़ गए हैं। और रेस्ट करने के बाद हम आज मिल घूमेंगे, मिल घूमेंगे अगर हो सका, मिल घूमेंगे हम शायद, और आपको दिखाएंगे। उसके बाद शायद हमें हॉर्स राइडिंग भी करनी है, जो जो कुछ होगा मैं आपको साथ 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 दिखाते जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये जो है ये गोदाम है जहाँ पे हम जा रहे हैं, आटा शाटा सारा यहाँ पे रखा हुआ है। वो मशीनें लगी हुई हैं, मशीनें यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी हैं, कोई है ही। बड़ी साफ़ सुथरी मिल रहा यार, हैं मैंने कहा बड़ी साफ़ सुथरी मिल रहा है, अच्छी बात है। ऊपर वाला पोर्शन है, मशीनें वशीनें सब कुछ। ये आटा नीचे ले जाने के लिए, मशीनें नीचे ले जाने के लिए। अब हम आ चुके हैं जी छत पे, और वो जो आपको जगह नज़र आ रही है वो है वहाँ पे जहाँ पे घोड़े हैं और भैंसे वगैरह हैं, वो मैंने आपको दिखाई थी कल। और ये सारा पीछे का एरिया, इस साइड पे एक गोदाम है जिसकी छत आपको नज़र आ रही है, और दूर दूर तक लोगों की ज़मीनें हैं। अभी इसके भी ऊपर दो पोर्शन, दो बिल्डिंग्स हैं। हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके और ऊपर से व्यू दिखाएंगे आपको। 5 फ्लोर्स हम चढ़ चुके हैं, और अभी भी शुक्र है दरवाज़ा आ गया, छत पे पहुँचे, छत पे। वरना 5 फ्लोर। कबूतर, वाओ, घूमने के बाद ही हम आ गए हैं अस्तबल में। ये पीछे आपको मेरे पीछे घोड़े नज़र आ रहे हैं, आगे और भी हैं। अस्तबल में मिस आए क्योंकि हमने
अच्छी अच्छी सी तस्वीरें खींचनी है, फोटोग्राफी करनी है। ये अब्दुलरहमान भाई घोड़े को प्यार, ये है ना कावासाकी, ये कावासाकी है ना, आगे आगे जो खड़ा है। एक घोड़ा और एक गधा एक फ्रेम में, गजब बेइज्जती है जी। तो हॉर्स राइडिंग धोनी की तस्वीरें खिंचवाई हमने, और उसके बाद हम घर आए, खाना शाना खाया, और उसके बाद हम सो गए। अभी रात का कोई वक्त है 11 बजे, हम उठे हैं। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल का व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद शुरू करने लगे हैं, क्योंकि हम रवाना होने लगे हैं 3-4 घंटे बाद मालम जब्बा के लिए। तो कल वाले व्लॉग में आप देखेंगे हमारे सफ़र फैसलाबाद से मालम जब्बा तक का, और मालम जब्बा में हमने क्या क्या किया सारा दिन, वो टोटल इंक्लूडेड होगा मालम जब्बा वाले ब्लॉग में, सबर कर जा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे दो में याद रखिएगा। कल वाला ब्लॉग देखना मस्ट है, क्योंकि असल सीन्स वहीं पे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।